हेलो गाइस, वेलकम टू फ्रीस्टाइल राई। आपने डिलीवरी की वीडियो तो देख ली होगी हमारी बाइक की, और नहीं देखी है चलो पहले उसको देख कर आ जाओ, फिर आपको मिलवाते हैं जिनकी डिलीवरी हुई है और उनसे बाइक के बारे में पूछते हैं कि उन्होंने बाइक में एक्सेसरीज क्या क्या इंस्टॉल कराई हैं। फाइनली मतलब BMW आ गई भैया ने। एक्चुअली इसके पहले जो बाइक ली थी वो थी हाइनेस होंडा की CU350। तो भैया एक्सेसरीज क्या क्या लगवाई हैं आपने बाइक में? मैंने एक्सेसरीज इसमें नंबर वन ये SRB इसके लगवाए हैं, ये आफ्टर मार्केट है। ओके, दीज वर कॉस्टिंग टू मी अराउंड 1700 bucks। ओके, इंक्लूडिंग डिलीवरी चार्जेस। ओके, देन आफ्टर दैट ये चार्जर लगवाया मैंने। कंपनी से लगाते तो कितने? तो वो दे रहे थे ये 6600 प्लस इंस्टॉलेशन चार्जेस। ओके, तो 1700 का हमने ये इंस्टॉल कराया अभी बाइक में, जो कि नकल गार्ड है इसके। देन वी हैव दिस मोबाइल चार्जर, ये फास्ट चार्जर है 3.0 बोबो का। ये मेरे को पड़ा था 1600 रुपीज का फ्रॉम आफ्टर मार्केट। ओके, तो इसकी कोई वारंटी आती है? हाँ, एक साल की वारंटी है। चलो ठीक है, ये भी चाहिए। देन वी हैव दिस विंड स्क्रीन, ये मैंने विंड स्क्रीन जो है ये खरीदी थी जाना से। ओके, कॉस्टिंग 3300 रुपीज ओनली। अगर यही चीज हम BMW से अगर आप लेते तो ये बैटरी थी 16000 रुपए की, 16000। ओके, मतलब बहुत कॉस्ट में बहुत कॉस्टली डिफरेंस है। ठीक है, देन उसके बाद ये क्रैश गार्ड्स व्हिच इज बीइंग आल्सो कॉल्ड एज लेग गार्ड्स और मेरी जो नीचे की ये बैच प्लेट है, दिस वन दिस इज ऑफ स्टील, और ये मेरे को कॉस्ट करा दोनों मिलाकर के 13500, दैट इज इंक्लूडिंग डिलीवरी चार्जेस। ये मैंने रॉ राइडिंग गियर्स से लिया है। ओके, तो अगर यही चीज हम BMW से लेते तो सिंपल बैच प्लेट वाज कॉस्टिंग 16000 और दिस 16000 रुपए की सिर्फ बैच प्लेट सिर्फ, और यहाँ 13000 के आसपास मेरे ख्याल से दोनों आ गया, दोनों चीज आ गई। दोनों वेरी नाइस तो बड़ा डिफरेंस है कॉस्ट, बहुत ज्यादा डिफरेंस है। मतलब अगर मैं सारी इंस्टॉलेशन उनसे परचेज करके लगवाता तो मेरे को कम से कम 60-70 हज़ार रुपए लगने थे फॉर श्योर। तो वही चीज हमने लगभग 25,000 में कवर कर लिया सारा, पूरी बाइक कंप्लीट कर ली। उसके बाद ये मैंने फॉग लाइट्स लगवाई है विद रिले, ये मेरे को पड़ी आफ्टर मार्केट 4000 रुपए की, 4000 रुपीज। ओके, फिर इसका एक रेडिएटर गार्ड है, मैं एक बार चला के भी दिखा देता हूँ। ये रेडिएटर गार्ड मैंने जाना से लिया है, ये मेरे को पड़ा 3100 का। लाइट चला, स्टार्ट करो। हाँ,
उसमें न्यूट्रल में। इसके बाद उसके अलावा इसमें मैंने ये बॉटल स्टैंड लगवाया, ये परमानेंट ही ऑलमोस्ट हो गया है बॉटल स्टैंड। ये मेरे को पड़ा लगभग 1000 रुपए का विद इंस्टॉलेशन। सो दीज आर द थिंग्स। और एक लास्टली मैंने ये लिया था ये टैंक पैड्स एंड दिस वन कॉस्ट मी अराउंड 250 एंड ये टैंक पैड्स पड़े थे मुझे 1100 रुपए के। ओवरऑल मेरा 25,000 के अराउंड 25,000 में सारा।